पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम राजघाट रोड टिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। लोगों ने रोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय कांग्रेस विधायक तरबर सिंह लोधी मौके पर पहुंचे। फिर शाहगढ़ के डॉक्टर के बंडा आने के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह बंडा ब्लॉक के गनियारी गाँव का मेघराज अहिरवार नाम का युवक नहाने गया हुआ था, जिसकी कुएं में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीण मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए बंडा सेंटर लाए हुए थे। वे यहां पर 4 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें सागर ले जाने के लिए कह दिया तो नाराज परिजन शव रखकर सड़क पर ही बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे, जिससे रोड की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके बाद शाहगढ़ से डॉक्टर अमित असाठी को बंडा बुलाया, जिन्होंने पीएम किया। इसको लेकर विधायक तरवर लोधी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा और डॉक्टर ना होना शासन प्रशासन की कमजोरी बताया। हमारी समस्या जो है, बच्चा नहा भी गए थी कुआ में गिर गए। हमें 11:30 बजे आ गए, हमें कोई सुनाई नहीं हो रहा। डॉक्टर क्या बोल रहे? डॉक्टर बोल रहा है कि हम नहीं आ रहे, सागर ले जा। हम SDO मैडम का सबके नहीं हुआ है, नहीं बोल रहा हुआ है। हमारे गांव ग्राम गनियारी में घटना हो गई, एक लड़का कुएं में गिर गया 10 बजे। उसके बाद अभी पोस्टमार्टम को लिया बंडा, पुलिस भी गई थी। अभी पोस्टमार्टम डॉक्टर नहीं कह सकता। कितने बजे आ गए थे हॉस्पिटल? हमारे आ गए थे नहीं 10 बजे, नहीं 11 बजे लगभग आ गए। 11 बजे आ गए थे, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर यहीं नहीं अस्पताल में। मैडम बोल रहे हैं सागर ले जाओ। हम सर बताओ, हम क्यों सागर ले जाएं? लेकिन हमारा बंडा तेज लगा, डॉक्टर है, हम क्यों ले जाएं सागर? लगभग जैसा कि मुझे प्रशासनिक स्तर से फ़ोन पहुंचा है माननीय सीमेंट साहब द्वारा, SDOP साहब द्वारा, SDM मैडम द्वारा, लगभग अभी मेरे आने के करीब आधे 1 घंटे पहले, कि बंडा में कोई भी डॉक्टर नहीं है। विगत एक डॉक्टर काफ़ी दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं, जिनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इस पोस्टमार्टम के लिए करने के लिए मुझे शाहगढ़ से बुलाया गया। मैं भी 24 घंटे वहाँ ड्यूटी करने के पश्चात उपलब्ध था। कल चूँकि कोविड का मेगा अभियान चालू है, मैं उसकी तैयारी में लगा था, लेकिन अचानक जैसे ही फ़ोन आया तो मैं तुरंत वहाँ से निकला। और यह घटना लगभग सुबह 10 बजे की है। मृतक का नाम मेघराज अहिरवार, उम्र 20 साल है, निवासी संभवतः गनियारी गांव का है, जिसकी मृत्यु पानी की डूबने से हुई है। और परिजनों को आश्वासन क्या, अभी तो हमने उनका भी काम जितना भी था जाके जो भी ज़रूरी चीज़ थी वो कर दिया है। बाकी माननीय विधायक महोदय एवं SDM महोदय से भी मेरी चर्चा हुई है जाके, तो वरिष्ठ अधिकारियों से बंडा में डॉक्टर की व्यवस्था करने हेतु उन्होंने अभी मुझे बुलाया हुआ है। मैं सबसे पहले तो मैं जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मेरे कई बार आवेदन के माध्यम से मौके जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे इस संबंध में चर्चा हुई कि भाई हमारे बंडा विधानसभा में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सायगढ़ और बंडा, और दोनों जगह एक एक दो डॉक्टर पदस्थ हैं, जबकि दोनों जगह कम से कम 6-6 डॉक्टर होने चाहिए। और आज ये स्थिति बनी कि जो हमारे गनियारी से जो एक व्यक्ति जो पानी में डूब के ख़त्म हुआ, वो उसको उसके परिवार के लोग कम से कम 11 बजे लेके आ गए, और अभी ये जब सायगढ़ से असाठी जी जो डॉक्टर हैं, मैंने SDM मैडम से बोला, CMHO से भी बोला, उसके बाद ये व्यवस्था मैडम और सर जी बोल रहे हैं, यहाँ पे इतना समय हो गया परिजनों के साथ, और लेकिन अभी तक SDM मैडम यहाँ उपस्थित नहीं मौके पर। उनका जैसा भी हो, हमारे PI साहब भी आ गए, POP भी आ गए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी आ गए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोनों शासन और प्रशासन की लापरवाही है। ऐसे समय पे डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं करा पाए तो अस्पताल का क्या, मतलब आप
जब एक कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है इसके पीएम में चार चार पाँच पाँच घंटे का समय लग जाए, ये बहुत ही दुखद है। मुझे भी एक विधायक होने के नाते मुझे भी एक शर्म सी महसूस होती है कि मैं कई बार ऊपर ही मैंने इस संबंध में आवाज़ उठाई कि हमारी बंडा हॉस्पिटल के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता है। सीएमओ से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आगे आप कोई सख्त कदम उठाएंगे क्या? क्या जनता को आपसे बहुत आशा है? नहीं, यदि कल की तारीख में हमारे हॉस्पिटल बंडा के लिए यदि डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं होती है तो हम आंदोलन भी करेंगे और धरना भी देंगे। बंडा से रवि सेन के साथ सूर्य कुमार दुबे, सागर टीवी न्यूज। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर, सनशाइन जिम। लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।